बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स। ये आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स। ठीक है, मतलब कि किन रूट से हम वैक्सीन्स को बॉडी में एंटर करते हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, वैक्सीन्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द सबक्यूटेनियस। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि वैक्सीन्स को हम बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, थ्रू द सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लेयर से, इंट्राडर्मल लेयर से। सबक्यूटेनियस लेयर, इंट्राडर्मल लेयर एंड इंट्रा मस्क्यूलर जो है रूट से वो इंटर करते हैं वैक्सीन्स को बॉडी में। द एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन डिस्क्राइब्स द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम एंगल बनाते हैं, जिस वक़्त हम ये इंटर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, नीडल की जो एंगल बनती है, नीडल की जो इंसर्शन नीडल होती है जिसकी मदद से हम वैक्सीन को इंटर करते हैं बॉडी में, वो एंगल जो है वो डिसाइड करती है किस रूट से वैक्सीन अंदर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ देखें, ये है इंट्रा मस्क्यूलर। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बॉडी का जो ये पोर्शन है, इसमें आप देखोगे ये जो पहली लेयर है ये एपिडर्मिस है। उसके बाद जो स्किन होती है, स्किन की पहली लेयर एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस, इसके नीचे फिर आती है डर्मिस एक और लेयर ये, और उसके बाद आती है सबक्यूटेनियस टिश्यू ये, तो उसके बाद आती है मसल ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहले सीधा जो स्किन एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर मसल। तो अब जो एंगल बनती है नीडल की जो एंगल बनती है वो डिसाइड करती है कि किस रूट से हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दिखाया गया है इंट्रामस्कुलर रूट से अगर हमें वैक्सीन को इंटर करना है बॉडी में, तो जो है नीडल की जो एंगल है वो क्या बनेगी, इंसर्शन नीडल जो है उसकी एंगल बनती है 90 डिग्री। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए आप, सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री सीधा घुसाते हैं इसमें स्ट्रेट, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गई। अगर अब हम देखें, जब हम सबक्यूटेनियस लेयर, ये यहाँ पर आपने देखा 90 डिग्री कहाँ पर, जब मस्क्यूलर लेयर से एंटर करते हैं, तो अगर हम सबक्यूटेनियस लेयर में हमें इंटर करना है वैक्सीन को,
एंगल क्या बनती है, ये यहाँ पर देखिए आप, 45 डिग्री, इंसर्शन नीडल की एंगल बनती है 45 डिग्री। और अगर हमें इंट्रावेंस करना है, वेंस जो होती है उसको देना है, तो वहाँ पर एंगल बनती है 25 डिग्री। क्या बनती है? 25 डिग्री। अगर हमें स्किन पर ही देना है, इंट्राडर्मल अगर देना है, देखिए ये देखिए इंट्राडर्मल जो एपिडर्मिस की लेयर है उस पर ही देना है, तो यहाँ पर 10 to 15 degree एंगल बनती है। ये 10 to 15 degree, ये यहाँ पर आपने देखा एंगल ऑफ इंजेक्शन जो है, यहाँ पर आप देखोगे ये है, ये आपने देख लिया। डिफरेंट एंगल्स ऑफ इन्फेक्शन होती है, डिफरेंट एंगल्स ऑफ, ये एक्चुअली इंजेक्शन जो है वो इसका दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इंट्रामस्कुलर आपने देखा 90 डिग्री, सबक्यूटेनस 45 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री, इंट्राडर्मल जो देते हैं हम वो 10 to 15 डिग्री। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर थोड़ी सी ये फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं, ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे ये फोटोग्राफ्स जो दिखाए गए हैं, ये वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन ए काउ थ्रू द सबक्यूटेनियस रूट। देखिए एंगल क्या बन रही है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री बनती है। तो अगर ये देखिए एक और पिक्चर है, वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन ए काउ थ्रू द इंट्रामस्कुलर रूट, मस्कुलर रूट, तो 90 डिग्री स्ट्रेट इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। समझ आ रही है आपको बात? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अल्लाह हाफ़िज़।